ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम खसूसी अदालत की पहली समाअत, शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। जज अबू अल असना जुलकरनैन ने समाअत की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तमाम कार्रवाई इन कैमरा होगी। तरक्याती मंसूबों में रकम की खुट बुट का इल्जाम, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के रिमांड में मंगल तक तौसी। 29 अगस्त को दोबारा पेशी का हुक्म। परवेज इलाही ने जज से घुटनों में तकलीफ की शिकायत की, कहा अफसरान अदालत से गलत बयानी करते हैं। फैमिली से भी 7 रोज में सिर्फ 1 मुलाकात करवाई गई। बलोचिस्तान हुकूमत की निगरान काबीना के लिए मुशावत का सिलसिला जारी। जराए के मुताबिक 12 से 14 अरकान को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। नाम फाइनल होने के बाद ऐलान आज मुतवक्के। निगरान वजीर अला बलोचिस्तान की जेर सदारत इंतजामी अफसरान का अजलास, मुख्तलिफ अमूर और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। वजीर अला अली मर्दान डोमकी ने शुरखा से खिताब में कहा, शफाफ इलेक्शन का इनेकाद अव्वलीन तरजीह है, वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके मसाइल का खात्मा करेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।